गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम बात करेंगे आपके आउटपुट डिवाइस के बारे में, ठीक है। आउटपुट डिवाइस क्या होते हैं, मैंने आपको बताया था, जो डिवाइसेस टेक डेटा एंड गिव रिजल्ट, ठीक है, यानी कि जो डिवाइस हमें रिजल्ट देते हैं, यानी रिजल्ट शो करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, आउटपुट डिवाइसेस, ठीक है। जैसे आपका जो टीवी है, टीवी, एलसीडी, ये क्या है आपके आउटपुट डिवाइस, जो हमें दिखाते हैं, जो भी कुछ चल रहा है वो हमें दिखाते हैं, यानी कि एक रिजल्ट प्रोवाइड करवा रहे हैं, उसे हम क्या कहते हैं, आउटपुट डिवाइसेस। तो देखिए क्या क्या होते हैं, आउटपुट डिवाइस क्या होते हैं वो देखते हैं हम। पहले एनी डिवाइस दैट रिसीव और डिस्प्ले आउटपुट फ्रॉम ए कंप्यूटर इज कॉल्ड आउटपुट डिवाइसेस। यानी कि देखिए क्या कह रहा है ये, एनी डिवाइस दैट रिसीव और डिस्प्ले आउटपुट, इसके कहने का मतलब है कि कोई भी ऐसा डिवाइस जो क्या करता है, डेटा को लेता है, रिसीव करता है और डेटा को शो करता है, यानी कि उसका रिजल्ट हमें देता है, उसे हम क्या कहते हैं, आउटपुट डिवाइसेस फ्रॉम ए कंप्यूटर, यानी कि एक कंप्यूटर के द्वारा, ठीक है, उसे क्या कहते हैं हम, आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइस के एग्जांपल देखिए कौन कौन से होते हैं, मॉनिटर, एलसीडी, प्रिंटर, प्लॉटर एक्सेट्रा। देखिए कौन कौन से होते हैं हमारे आउटपुट डिवाइसेस, मॉनिटर, ठीक है, एलसीडी, प्रिंटर और प्लॉटर, ये सब क्या होते हैं हमारे आउटपुट डिवाइसेस, जो हमें डेटा शो करते हैं, ठीक है, क्या कहलाते हैं हमारे आउटपुट डिवाइसेस। नोट कीजिए इसको, हो गया सभी का, देखिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे आउटपुट डिवाइस के अंदर, सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, मॉनिटर। देखिए क्या पढ़ेंगे, मॉनिटर,
मॉनिटर क्या होता है? देखिए मॉनिटर समझते हैं क्या होता है। पहले आपने देखा होगा कंप्यूटर आते थे टीवी के तरह, आपने अभी तो आपके अलग से आने लग गए, पहले आते थे टीवी के जैसे आते थे, ठीक है, जो बड़े बड़े जो टीवी थे उस टाइप के कंप्यूटर आते थे, ठीक है, उसे हम क्या बोलते थे, मॉनिटर, उन्हें हम क्या बोलते थे, मॉनिटर, ठीक है। तो देखिए मॉनिटर क्या क्या करता है, ए आउटपुट डिवाइस दैट शो द इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन ऑन स्क्रीन। क्या कह रहा है ये, ए आउटपुट डिवाइस, एक ऐसा आउटपुट डिवाइस है जो क्या करता है, आपकी इंफॉर्मेशन, जो भी काम आप कंप्यूटर के अंदर करते हो, ठीक है, उसको क्या करता है, स्क्रीन के ऊपर दिखाता है, ठीक है, यानी कि जो भी आपकी जो मॉनिटर है वो क्या करता है, जो भी काम आप कंप्यूटर के अंदर करोगे उसको स्क्रीन के ऊपर दिखाएगा, ठीक है, ये मॉनिटर का यूज है, ठीक है। देखिए दूसरा क्या कह रहा है, इट ऑल्सो डिस्प्ले द प्रोग्राम और एप्लीकेशन एप्लीकेशन आउटपुट। क्या कह रहा है ये कि मॉनिटर हमारा क्या करता है, कंप्यूटर के अंदर जो भी काम हो रहा है प्रोग्राम उसको भी दिखाता है, और एप्लीकेशंस यानी कि उसके अंदर कौन कौन से सॉफ्टवेयर हमने ऐड किए हुए हैं उन्हें क्या बोलते हैं हम, एप्लीकेशंस, ठीक है, इन सब चीजों को दिखाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, मॉनिटर। समझ गए सभी, नोट कीजिए इसको। देखिए इसका एग्जांपल क्या क्या है, टीवी, हमारा टीवी भी तो दिखाता है ना, जैसे आप मूवी वगैरह देखते हो, कोई सीरियल वगैरह देखते हो, तो वो क्या करता है, टीवी शो करता है, तो वो भी क्या है आपका, एक मॉनिटर, और दूसरा तो आपका मॉनिटर है ही, ठीक है, नोट करो इसको। हो गया सभी का, अब देखिए दूसरा है आपका LCD, LCD का मतलब क्या होता है आपका, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। क्या होता है,
लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, ये आपके एलसीडी का फुल फॉर्म है। ठीक है, अब देखिए एलसीडी क्या करता है, जो काम हमारा मॉनिटर करता था वही काम हमारा एलसीडी करता है। ठीक है, अब आप ये पूछोगे जब हमारे पास में मॉनिटर था तो हमें एलसीडी की जरूरत क्यों पड़ी। ठीक है, तो सबसे पहले हम बताते हैं आपको, मॉनिटर था आपका कैसे, आपका एक ये लगा लो आपका एक कंप्यूटर था, इस टाइप का ये था आपका मॉनिटर, जो क्या है आपका टीवी की तरह दिखाई देता है। ये है आपका एलसीडी। ठीक है, अब देखिए हमें एलसीडी की जरूरत क्यों पड़ी, हमारे पास में पहले से ही मॉनिटर था, काम तो दोनों सेम करते हैं। ठीक है, एलसीडी की हमें इसलिए जरूरत पड़ी, मॉनिटर बहुत भारी होते थे पहले, ठीक है, यानी कि इनका वेट भी ज्यादा होता था, ठीक है, और एलसीडी का वेट कम होता है, ये साइज में बड़े भी होते थे और एलसीडी का साइज छोटा होता है। ठीक है, तीसरा है मॉनिटर के अंदर हम इतना क्लियर नहीं देख पाते थे जितना कि हम आज एलसीडी एलईडी के अंदर देख सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमें एलसीडी की जरूरत पड़ी। ओके, देखिए तो हम स्टार्ट करते हैं एलसीडी के बारे में। एलसीडी वाज फाउंड इन 1970 एंड यूज फॉर डिस्प्ले। अब देखिए क्या कह रहा है, एलसीडी हमने कब बनाई थी, 1970 के अंदर बनाई थी, किसके लिए, डिस्प्ले के लिए, यानी कि किसी भी डेटा को देखने के लिए। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट है हमारा, इट एडवांटेज लाइट लाइट लो एनर्जी कंजप्शन। देखिए एलसीडी का एक फायदा और क्या है कि ये आपके लो एनर्जी कंजप्शन का मतलब है कि इसके अंदर इतनी ज्यादा लाइट की जरूरत हमें नहीं पड़ती। ठीक है, यानी कि हम लो पावर के अंदर भी इसको चला सकते हैं। ठीक है, आपका जो मॉनिटर था उसके लिए हमें बहुत ज्यादा लाइट की जरूरत पड़ती थी, इसलिए हमने एलसीडी को बनाया। ठीक है, इट हैज smaller size and light weight। क्या कह रहा है, एलसीडी का साइज छोटा होता है और वेट में भी हल्की होती है। ठीक है, इसलिए हमने एलसीडी का उपयोग किया। इट
इज ए पोर्टेबल आउटपुट डिवाइस क्या है, इसलिए हम इसको पोर्टेबल डिवाइस भी कहते हैं। पोर्टेबल डिवाइस का मतलब कि हम इसको कहीं भी ले जा सकते हैं, ठीक है। तो ये था आपका एलसीडी के बारे में। कल हम बात करेंगे इसके कुछ और जो हमारे आउटपुट के जो पार्ट हैं उनके बारे में बात, तो आप नोट कीजिए इसको।